कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ 2 महीने के बाद। आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स कि ये है मेरा आज का ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट डे एंड 6:47 और मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं जा रही हूँ जिम। कैसा लग रहा है फर्स्ट डे स्कूल का? वैसे ये समर वेकेशंस के बाद का दिन है। समर वेकेशंस के बाद का दिन है? हाँ, तो वही तो फर्स्ट डे बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ। समर वेकेशन के बाद का फर्स्ट डे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? बैग उठा के तंग हो रहे हैं। वेट कर रहे हो बहन का बेवकूफ। और यहाँ पे कुत्ते भी बहुत घूम रहे हैं, ये देखो। आई होप इनकी बहन जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं वरना जिम के लिए लेट हो जाऊंगी आज, और मैं जा रही हूँ 2 महीने के बाद। Guys, I'm back from the gym. और मंडे की शुरुआत, जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं 2 महीने के बाद जैसे मंडे की शुरुआत जिम से स्टार्ट करूंगी या फिर कोई एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगी, कि मंडे है, वीक का नया डे है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग की अच्छी शुरुआत हुई है विद द जिम। जिम का मैंने थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट दिखाया है। आज मैं 2 महीने बाद जिम गई थी, मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कुछ दिखाने में, तो मैंने जस्ट ऐसे ही इसकी एक शूट ले लिया। आज देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है। सारा दिन बहुत एक्साइटिंग है, बच्चे स्कूल गए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है, आई थिंक अभी नहीं दिखाया, अभी दिखाती हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, मैं जिम गई थी आज, बहुत ही अच्छी अच्छी शुरुआत हुई है हर चीज़ की। देखते हैं आज आगे 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 क्या होता है। आई डोंट नो गाइज, ये क्या सीन है, जब भी मेरे चैनल की शुरुआत होती है ना, तो मुझे अपना चैनल किसी ना किसी वजह से रोकना पड़ जाता है। जब भी चैनल की ग्रोथ होती है एक्चुअली, मुझे कोई ना कोई रीज़न ऐसा का आ ही जाता है मेरी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसा सीन बन ही जाता है कि मुझे अपना चैनल रोकना ही पड़ जाता है। तो आई जस्ट होप सो कि अब सब कुछ, आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स कि सब कुछ सही रहे और इस बार मेरा चैनल बंद ना हो, मुझे बीच में ना रोकना पड़े। बंद नहीं होता है, रोकना पड़ जाता है, तो वो ना करना पड़े इस बार, और ये अच्छे से जैसे मैंने चाहा वैसे चलता रहे। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग भी प्रे करें मेरे लिए कि मेरा चैनल हमेशा चलता रहे ऐसे ही। गाइज, अभी मैं लेने जा रही हूँ शॉवर, उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच। और लंच बनाने से पहले आज सारी की सारी ग्रॉसरीज भी आएंगी, आज इट्स मंडे, मेरे घर में मंडे को सारी ग्रॉसरीज आ जाती हैं, तो वो भी संभालनी है। और उसके बाद आज बच्चों का पहला दिन था, तो वो जब घर आएंगे तो उनका भी काफ़ी सारा काम पड़ा, अभी हॉलीडे होमवर्क भी पड़ा उनका बहुत सारा, क्योंकि सारा का सारा रिचुअल्स वगैरह में सारी छुट्टियाँ निकल गई, होली होमवर्क हुआ ही नहीं, और उसके बाद उनके एग्जाम्स में उसकी भी तैयारी करनी है। सो बहुत 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 सारा काम है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। आई थिंक सो कि अब काम कर लेना चाहिए। ओके, सो गाइज, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने बहुत ही लाइट रखा है आज का, और रीज़न ये है कि मुझे आज बहुत 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 सारा काम है, मेरा बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल है आज। मैंने 2 दिन से जो पेंडिंग काम कर रखे थे वो सारे के सारे मुझे आज ही करने हैं। मैंने जो सुबह भी आप लोगों को बताए थे वो तो थे ही थे मेरे पास काम, उसके साथ साथ मुझे आज अनपैकिंग भी करनी थी, जो मैंने रात को आपको बताया था कि मैं रात को करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी। सुबह मैं वर्कआउट करके आई हूँ, तो इसलिए मुझे लगता नहीं मेरे पास आज भी ज़्यादा कुछ हो पाएगा मुझसे, बट एज अनपैकिंग तो करनी करनी है। 2 दिन हो गए उसको खुले हुए, कितने दिन ऐसे खोल के रखूँगी उसको, तो मैं वही कर रही थी। तो मैंने सोचा यार 11:30-12 बज रहे हैं, इट्स 11:40, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और उसके बाद कुछ करते हैं। आई थिंक सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा कुछ तो खाना बनता है, बिना खाए पिए इंजन भी कैसे चलेगा हमारा। और अनपैकिंग करने से पहले गाइज, मेरे साथ एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी सी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कि मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, और सफाई के चक्कर में, अनपैकिंग करने के चक्कर में मैंने सारी की सारी मीराज अपनी खोल दी हैं, और अलमीरा अभी मैंने अपनी अलमीरा की शुरुआत की है, एक बच्चों की खोल दी है, तो दोनों ही मुझे आज सेट करनी, मैं थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मुझे इसको सारा सेट करना है, तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, अपने इंजन को कुछ फ्यूल दे दूँ, उसके बाद काम करूँगी। कुछ खा ले पी लें, उसके बाद मिलते हैं।